राम राम भाइयों, आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो देखिए, ये जो स्टेटर आप लोग देख रहे हैं वीडियो में, इन स्टेटर को हमने कंप्लीट करके रिवाइंड करके रखा है। और ये तीन तरह के स्टेटर हैं हमारे। ये एक जो मोटर, ये जो स्टेटर है, ये कूलर कूलर किट का स्टेटर है। ये जो स्टेटर है हमारा, जो 5 ब्लेड वाला कूलर फर्राटा फैन आता है उसका स्टेटर है, और ये है हमारा AP फैन का स्टेटर। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को तीनों जो स्टेटर आप लोग देख रहे हैं, इनका तीनों का कंप्लीट डाटा, रनिंग और स्टार्टिंग कंप्लीट आप लोगों को बताने वाले हैं। और कॉइल पिच हमने इसमें क्या रखी है, कॉइल की क्या लंबाई है, उसकी हम पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को जानकारी सही से समझ में आ जाए। तो देखिए, ये जो स्टेटर आप लोग देख रहे हैं, इन्हें हमने पहले से ही रिवाइंड करके रखा है ताकि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा जानकारी मिल सके। क्योंकि अगर हम आप लोगों को लाइव रिवाइंडिंग दिखाते हैं तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेकिन उसमें हम आप लोगों को एक ही फ़ैन का डाटा बता सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो चलिए, सबसे पहले तो हम आपको इसका डाटा बताते हैं। ये जो हमारा स्टेटर है, देखिए, ये जो स्टेटर है हमारा, ये कूलर किट जो होती है उसका स्टेटर है। ये इसके जो स्लॉट हैं वो 24 स्लॉट का ये स्टेटर है, ये भी 24 स्लॉट का स्टेटर है, ये भी 24। इनके तीनों के जो स्लॉट हैं वे तीनों स्टेटर के सेम ही हैं, 24 स्लॉट है। तो चलिए, सबसे पहले हम इसका डाटा बताते हैं आपको। देखिए, इसमें हमने जो रनिंग में डाटा यूज किया है वो किया है SWG 30 नंबर एलमिनियम वायर, और स्टार्टिंग में हमने जो डाटा यूज किया है वो SWG 32 नंबर एलमिनियम वायर। तो ये डाटा हमने इसे रिवाइंड करने के लिए यूज़ किया है। और देखिए, ये हमारा रिवाइंड होके कंप्लीट कर दिया है। इसमें कनेक्शन निकालने के बाद हमने, ये हमारा कंप्लीट है एकदम, धागा भी हमने इसमें लगा दिया, सिलाई भी कर दी है। तो ये तो हमारा SWG की बात हो गई। अब बात करते हैं हम टर्न की। रनिंग में हमने जो इसमें टर्न रखे हैं वो रखे हैं 105 टर्न, और जो कॉइल की हमारी लंबाई है वो 35 इंच रखी है हमने इसमें। और स्टार्टिंग में हमने जो टर्न रखे हैं कॉइल में वो रखे हैं 125 टर्न, और हमारा जो कॉइल का साइज है हमारा वो 29 इंच कॉइल साइज है। तो चलिए, एक बार आपको इसका कंप्लीट डाटा बता देते हैं। इसमें जो रनिंग में डाटा है SWG 30 नंबर से 105 टर्न, कॉइल साइज हमारा जो रहेगा वो 35 इंच का रहेगा, और स्टार्टिंग में हमारा जो डाटा है वो SWG 32 नंबर 125 टर्न है इसमें, और जो कॉइल का साइज है वो है हमारा 29 इंच। तो ये हो गया हमारा कूलर किट का डाटा, कंप्लीट डाटा। और इसकी कॉइल पिच जो है वो 1 से 4 रनिंग की और 1 से 6 ये हमारी कॉइल पिच है, और रनिंग के जो कॉइल की राउंड रहेंगे वो 1 से 4 की पिच में 2 राउंड और 1 से 6 की पिच में 3 राउंड, इस तरह से रनिंग के कॉइल की राउंड रहेंगे। और स्टार्टिंग में कॉइल पिच सेम ही रहेगी, 1 से 4, 1 से 6, और हमारा जो कॉइल का राउंड है वो चेंज हो जाएगा। 1 से 4 में हमारा स्टार्टिंग का 1 राउंड आएगा, और 1 से 3 में हम 1 से 6 में हमारा 3 राउंड आएगा, इस तरह से इसकी बाइंडिंग की है हमने। चलिए, अब बात करते हैं हम इस स्टेटर की। ये जो स्टेटर आप देख रहे हैं इसका साइज 1 इंच कोर है इसकी, और देखिए ये भी हमारा रिवाइंड होकर कंप्लीट है। कनेक्शन करने के बाद इसे कंप्लीट कर दिया हमने। तो इसे, ये जो 5 ब्लेड जो फर्राटा कूलर फर्राटा फैन आता है उसका स्टेटर है हमारा। तो इसे रिवाइंड करने के लिए हमने जो डाटा यूज़ किया है वो यूज़ किया है, देखिए, रनिंग में हमने जो डाटा यूज़ किया है वो किया है SWG 30 नंबर, 30 नंबर से हमने इसमें 150 टर्न दिए हैं, और हमारा जो कॉइल का साइज हमने रखा है वो 20.5 इंच रखा है। तो ये हमारा रनिंग का डाटा हो गया। और स्टार्टिंग में हमने जो डाटा यूज़ किया है वो किया है SWG 31 नंबर, वैसे आप 30 नंबर भी यूज कर सकते हैं या 32 भी कर सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं हो। 32 अगर आप कर रहे हैं तो 160 टर्न कर दीजिए, और अगर आप सेम नंबर यूज़ कर रहे हैं तो टर्न बराबर भी रख सकते हैं। और 31 नंबर मैंने इसमें यूज़ किया है फ़िलहाल स्टार्टिंग के लिए, तो उसमें मैंने 10 टर्न बढ़ा दिए, मतलब इसमें 150 टर्न है रनिंग में हमारे, और स्टार्टिंग में हमारे 160 टर्न है। और कॉइल का, इसका जो साइज़ है हमारा 20 इंच है, और रनिंग का जो हमारा कॉइल का साइज़ है 20.5 इंच, और इसका जो स्टार्टिंग का कॉइल का साइज़ है हमारा 20 इंच कर दिया है हमने, ताकि हमारी फिनिशिंग अच्छी आए, देखिए, और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आई है इसकी। तो ये हो गया हमारा 5 ब्लेड कूलर फर्राटा फ़ैन का डाटा। तो चलिए, अब बात करते हैं हमारा जो AP फ़ैन आता है, या इसे टेबल फ़ैन भी बोलते हैं, तो उसका ये स्टेटर है, जैसा कि आप ये देखिए, इसका भी स्टेटर, ये 24 स्लॉट का स्टेटर है। इसे हमने रिवाइंड किया है, देखिए, रिवाइंड होने के बाद ये कंप्लीट है, धागा भी लगा दिया हमने दोनों तरफ से।
तो इसमें हमने जो डाटा यूज़ किया है वो यूज़ किया है रनिंग में, हमने जो डाटा यूज़ किया है वो किया है SWG 34 नंबर। 34 नंबर से हमने जो टर्न दिए हैं इसमें वो टर्न दिए हैं 300 टर्न। 34 नंबर से रनिंग में 300 टर्न दिए हैं हमने, और हमारा कॉइल का साइज़ जो रहा है रनिंग में वो 27.5 इंच रहा है। तो ये रनिंग का डाटा हो गया। और स्टार्टिंग में जो डाटा यूज़ किया है वो भी एलुमिनियम वायर से, इसमें हमने 35 नंबर से स्टार्टिंग का रिवाइंडिंग किया है इसका। और हमारे जो टर्न हैं इसमें स्टार्टिंग के वो 320 टर्न किए हैं हमने। और कॉइल का साइज़ हमारा इसका रनिंग का 27.5 था, इसका 27 इंच है। तो इस तरह से इसका रिवाइंडिंग आप लोगों को करना है। इन दोनों की कॉइल पिच, इसकी और इसकी कॉइल पिच, इसकी कॉइल पिच जो रहेगी वो 104 और 106 ही रहेगी, लेकिन इसकी जो RPM है वो 2800 RPM है। तो इसकी कॉइल पिच हमारी चेंज हो जाएगी, 108, 110, 112, इस तरह से इसकी कॉइल पिच रह जाएगी। ये 2 पोल की मोटर हैं, ये दोनों 4 पोल की मोटर हैं। तो इस तरह से इनकी रिवाइंडिंग कंप्लीट की है हमने। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।